राकेश झुंझुनवाला जी की सबसे ज्यादा होल्डिंग है और उनकी जो वाइफ है और उनका जो कंपनी है रेयर एंटरप्राइजेज, सबसे ज्यादा होल्डिंग इनकी उस कंपनी में है। और आशीष कचोलिया जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी ये स्टॉक खरीद रखा है, इनकी भी होल्डिंग है। तो अगर आप मान लेंगे कि ये कंपनी राकेश झुंझुनवाला की ही है, ऐसा आप समझ के बैठ सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स की लिस्ट में राकेश झुंझुनवाला जी आते हैं और उनकी वाइफ भी आती हैं, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपको पता नहीं है अभी तक, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कंपनी कौन सी है और इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये कंपनी में कितनी इनकी शेयर होल्डिंग है। सबसे पहले मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला जी की 12.58% की होल्डिंग है पर्सनल, रेखा झुंझुनवाला जी की 11.47% है और रेयर इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड जो इनकी कंपनी है 21% के करीब है। अगर तीनों को अगर आप मिला लेंगे तो लगभग हो जाती है 45% के करीब। तो आप ही बोलिए ये इनकी कंपनी है या नहीं है। लगभग इनकी ही कंपनी है और ये जो कंपनी है वो है एप्टेक लिमिटेड, तो सबसे ज्यादा होल्डिंग है। और जो राकेश कचोलिया है उनका भी अगर आप देखेंगे तो इनकी भी होल्डिंग है लगभग 2.26 की, और दूसरे जो एफआईआई है उनकी भी होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं और आशीष कचोलिया एक बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इस स्टॉक को ले रखा है। तो आप ही समझ सकते हो कि ये आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया आ सके कि कैसे फाइनेंशियल्स है, टर्नओवर कैसे है इस कंपनी के। तो ये एक आईटी ट्रेनिंग कंपनी है, एप्टेक लिमिटेड ट्रेनिंग्स देती है, और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो अभी थोड़ा लोअर लेवल्स पर ही चल रही है ये कंपनी, और इसने हाई बनाया था लगभग 403 का और लो इसका था 189.50 का, और अभी ये कंपनी चल रही है लगभग 250 के करीब, तो थोड़ा नीचे ही आया है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप लेते हैं ये स्टॉक को तो काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर घुसे हुए हैं, राकेश झुंझुनवाला की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। तो आप सोच सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप रुकते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक में आप ले सकते हैं, और अभी लोअर पे चल रहा है और अगर नीचे आता है 200 के करीब तो बहुत अच्छा मौका बन जाता है, 400 का हाई है। तो इसका अगर आप फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो काफी बढ़िया है और 100% लोगों ने बाय की रेटिंग दी है। इसका मार्केट कैप काफी कम है, वह 1012 के करीब है। डिविडेंड भी इसने डिक्लेयर किया है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो काफी अच्छा है। ईपीएस 8.24 की है। इसका अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लगातार ग्रोथ आते आई है। मार्च क्वार्टर में 48.63 का टर्नओवर था और नेट प्रॉफिट 5.31 का था। दिसंबर में 42 का सेल्स था, सितंबर में 34 का था, जून में 31 का था। और अगर डेप्थ की बात करें कि इस स्टॉक में, इस कंपनी में डेप्थ नहीं है, डेप्थ फ्री कंपनी है, तो आप ही सोच सकते हैं ये कंपनी आपको रिटर्न तो इजीली अच्छा दे सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 49% लगभग प्रमोटर्स की है, पब्लिक की 50.70 की है, म्यूचुअल फंड्स की अभी तक नहीं है। तो इसी स्टॉक के बारे में बताना था, ताकि आपको भी आइडिया आ सके कौन से बड़े इन्वेस्टर्स कौन से स्टॉक्स ले रखे हैं, ताकि लोअर रेट्स पर अगर आपको मिलता है स्टॉक्स तो आप भी अच्छे रेट पर लेकर होल्ड कर सकें लॉन्ग टर्म के नजरिए से। तो यही एक स्टॉक बताना था आज, ताकि आप भी लोअर रेट्स पे लें और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा अमाउंट बनाएं। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, मान लीजिए इनकी ही कंपनी है क्योंकि ये प्रमोटर्स की लिस्ट में है। तो आज इसी के बारे में बताना था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।